हरियाणा के हिसार में जाट एजुकेशनल सोसाइटी के चुनावों का बिगुल बज गया है। सोसाइटी के कोलोजियम के लिए 25 दिसंबर और गवर्निंग बॉडी के लिए 20 जनवरी को चुनाव कराया जाएगा। ये चुनाव पहले मई में होने थे लेकिन कोरोना महामारी के कारण उन्हें टाल दिया गया था। जानकारी देते हुए जाट एजुकेशनल सोसाइटी चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी एडवोकेट प्रदीप बाजिया ने बताया कि 8 नवंबर को सभी सदस्यों की लिस्ट जारी की जाएगी। 28 से 29 नवंबर तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे। 29 को ही नामांकनों की छटनी होगी और 4 दिसंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 7 दिसंबर को अंतिम उम्मीदवारों की सूची चुनाव चिन्ह के साथ जारी की जाएगी। इसके बाद 25 दिसंबर को राजगढ़ रोड स्थित जाट बीएड व लॉ कॉलेज में मतदान होगा। उसी दिन शाम को मतों की गिनती के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह चुनाव 296 क्लोजियम सदस्यों का होगा। इसके बाद 20 जनवरी को चुनाव करवाकर इन क्लोजियम सदस्यों में से गवर्निंग बॉडी चुनी जाएगी। जाट शिक्षण संस्थान का कल इलेक्शन मई में ड्यू था लेकिन कोरोना की वजह से ये इलेक्शन पोस्टपोन हुआ था और जिसमें मैं मुझे शिक्षण संस्थान ने रिटर्निंग अफसर नियुक्त किया था और मेरे साथी अनिल सुरान जी को और कर्ण सिंह दलाल जी को असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर नियुक्त किया था। और अब हमने इस संस्था का इलेक्शन करवाने का फैसला किया है जो 25 दिसंबर 2020 को वोट डाले जाएंगे। टोटल वोट इस संस्था के 14,908 वोट हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 14,908 वोट में 296 वार्ड बनाए कुलजीम वार्ड 296 वार्ड बनाए हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा हर वार्ड में 54 और कम से कम 44 वोट हैं और उसके लिए 296 कोलिजियम का इलेक्शन 25 दिसंबर को होगा और नॉमिनेशन इसका 28 नवंबर और 29 नवंबर दो दिन होगा नॉमिनेशन का। उसके बाद वोट डाले जाएंगे, सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करके फिर 25 दिसंबर को पोलिंग होगी। और उसके बाद एक हमने गवर्निंग बॉडी के लिए भी इलेक्शन शेड्यूल आज जारी किया है जिसको 1 जनवरी को नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे और उसके लिए पोलिंग 20 जनवरी को और उसी दिन शाम को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तीन साल के लिए इसमें 296 का पहले कोलिजियम का चुनाव होगा, 296 वार्ड है। अच्छा। और उसके बाद 296 मेंबर है वो आगे गवर्निंग बॉडी अपनी बढ़ाएंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। उसके लिए तो ये जनवरी में होगा जाते। उसके लिए 20 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, 1 जनवरी को नॉमिनेशन होगा और 20 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। उसके लिए 14,908 वोटर्स के आई कार्ड तैयार किए हैं सोसाइटी की तरफ से। होशियार सिंह, मैं 2 मिनट के बाद करूँ, थोड़ा कहीं हूँ। और उस आई कार्ड से पोलिंग में वोटर को भी आसानी होगी, हमें भी आसानी होगी उसकी पहचान के लिए। इसमें भी वैसे कई जिलों में होंगे लोग। और एक और है इसमें, ये भी है कि जो आई कार्ड हमने वोटर्स के तैयार किए हैं वो ये सोसाइटी के ऑफिस से अपना आई कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं खुद, पर्सनल खुद आना पड़ेगा ना उसके लिए, खुद आना पड़ेगा उस व्यक्ति को, खुद आना, खुद आना। क्या कह रहे थे, कई जिलों में होगी वोटर तो? वोटर दूसरे स्टेट के, कई स्टेट में सर, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं,
पंजाब के हैं, पंजाब के भी हैं, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, चंडीगढ़ से भी हैं, पंचकुला है, दिल्ली है, दिल्ली से भी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.